उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों। हर इंसान अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन खूबी ये है कि इंसानियत के लिए हम जिंदा रहे, दूसरों के लिए हम जो है अपने तवानाई को, अपनी एनर्जी को, अपनी सलाहियतों को दूसरों को उभारने में, दूसरों को ऊपर लाने के लिए कोशिश करें, इसके लिए जद्दोजहद करें। और इसमें अहम किरदार नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है। नौजवान किसी भी कौम के, किसी भी मिल्लत के, किसी भी मुल्क के एक कीमती सरमाया होते हैं, और ये कौम को, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इनकी सलाहियतें, इनकी लियाकतें मुल्क के लिए बड़ी जो है कीमती अशिया है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन अमान और सलामती कायम करने के लिए हम अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं, हम अपनी क्या खिदमत इस मुल्क को दे सकते हैं, इस मुल्क के बाशिंदों की हम क्या खिदमत कर सकते हैं। अपने अपने इलाके के अंदर बिना लिहाज मजहब व मिल्लत, इंसानी बुनियादों के ऊपर हम हर एक की खिदमत करें और हर एक से जो है अपना ताल्लुक, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार और लगाव कायम रखें, और इस तरह से हम इस अमन के माहौल को पूरे मुल्क के अंदर जो है कायम करें और उसके लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें। आज मीडिया का दौर है और इस सिलसिले के अंदर मीडिया जो कि जमहूरियत का एक अहम सुतून होता है, इन मीडिया के जिम्मेदारों की भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो ऐसे माहौल को बनाए रखे जिसके अंदर पुरअमन जो है माहौल रहे, और अगर कोई किसी किस्म की शरारत हो तो उसको दबाया जाए और हकाइक का इजहार किया जाए और प्यार मोहब्बत को बाकी रखा जाए सिर्फ इंसानी बुनियादों के ऊपर।